नमस्कार, मैं हूं देवांजलि मोइत्रा। हिंद और प्रशांत महासागर में इस वक्त काफी हलचल है, क्योंकि चीन ने ऐसे हालात पैदा कर दिए हैं कि सभी डरे हुए हैं। लेकिन भारत चीन का जवाब देने के लिए उपाय कर रहा है। इसके लिए भारत ने पहले ही अपनी समुद्री सीमा को सुरक्षित रखने के लिए 6 से ज्यादा पनडुब्बी पानी में उतार दी। लेकिन सूत्रों की माने तो भारत जर्मनी की टाइप 212 CD पनडुब्बी को नौसेना के प्रोजेक्ट 75I में शामिल करने पर विचार कर रहा है। रक्षा सूत्रों की माने तो जर्मनी की ये पनडुब्बी प्रोजेक्ट के लिए रेस में सबसे आगे चल रही है। हालांकि रक्षा विशेषज्ञ इस बात से काफी निराश हैं और टॉप डिफेंस एक्सपर्ट इस जर्मन पनडुब्बी को 0 नंबर देते हैं। उनका कहना है कि ये पनडुब्बी आज की मॉडर्न तकनीक के लिहाज से काफी पीछे है। आपको जानकारी देते चले कि भारत सरकार के रवैये से खासा निराश है। उसने इस प्रोजेक्ट से हाथ खींच लिए और उसने इसके लिए शर्तों के बहुत सख्त होने का हवाला दिया। यहाँ पर हम आपको जर्मनी की इस खतरनाक पनडुब्बी के बारे में बताते हैं। जर्मनी की पनडुब्बी नए मानक पर बनी। टाइप 212 CD की स्टेल्थ डिजाइन एकदम नई। इसका निचला तला डायमंड यानी हीरे के आकार का है। इस वजह से वो एक्टिव सोनार की तरंगों को अस्थिर कर सकता है। इस पनडुब्बी में नया कॉम्बैट सिस्टम लगा है, ORCA के तौर पर उसे जानते हैं। इस सिस्टम के बाद भारी मात्रा में सेंसर के आंकड़ों को परखा जा सकेगा। जर्मनी का थाइसेनक्रिप मरीन सिस्टम इस तरह की 2 पनडुब्बियां तैयार कर रहा, जिसमें से एक जर्मन नेवी के लिए और एक नॉर्वे की नौसेना के लिए होगी। जानकारी देते चले कि जर्मनी और नॉर्वे की सरकार ने जून 2017 में एक साझा समझौता साइन किया। इसके तहत नौसेना के लिए मिसाइलों का निर्माण भी किया जाएगा। एक रिपोर्ट के मुताबिक 2 पनडुब्बियों के निर्माण के लिए करीब $6.4 बिलियन का खर्च आएगा। साल 2023 में इनका निर्माण कार्य पूरा होगा। इसके बाद साल 2029 में 1 पनडुब्बी नॉर्वे की सेना को सौंप दी जाएगी। वहीं जर्मनी की नौसेना को साल 2031 और 2034 में ये पनडुब्बी मिलेगी। इस पनडुब्बी को साल 2060 तक सेवा में रखा जाएगा। यहाँ पर जानकारी दे दे कि जो भारत का प्रोजेक्ट 75 है, वो आखिर में है क्या? प्रोजेक्ट 75 को भारतीय नौसेना के लिए एक महत्वाकांक्षी परियोजना करार दिया गया था। इस प्रोजेक्ट के तहत 6 एडवांस्ड पनडुब्बियों का निर्माण होना था। जनवरी 2020 में रक्षा खरीद परिषद DAC ने मझगांव डॉक्स लिमिटेड और लार्सन एंड टर्बो को प्रोजेक्ट में भारतीय पार्टनर के तौर पर नामित किया था। इसके अलावा साउथ कोरिया के 2, फ्रांस का 1, स्पेन, रूस और जर्मनी की 1-1 कंपनियों का चयन किया गया था। पिछले दिनों रूस के एक सीनियर अधिकारी की तरफ से कहा गया है कि जो शर्तें भारत की तरफ से रखी गई थी, वो पूरी तरह से अवास्तविक है। उनकी माने तो जब तक इन शर्तों को नहीं बदला जाता, तब तक ये प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ सकती। रक्षा मंत्रालय की तरफ से इस प्रोजेक्ट की डेडलाइन 30 जून को खत्म हो गई थी, लेकिन ये प्रोजेक्ट अगले 6 महीने के लिए बढ़ाया जा चुका है। अब दिसंबर माह के अंत तक इस डेडलाइन में रूस को फैसला लेना होगा। रूस की रूबिन डिजाइन ब्यूरो के डिप्टी डायरेक्टर की माने तो आर्मी 2022 एक्सपो में कहा कि जो जरूरतें भारत की तरफ से रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल में रखी गई हैं, वो बहुत ही सख्त है। इन शर्तों के बाद डिजाइनर पर बहुत ज्यादा जिम्मेदारियां आ जाती। डिजाइनर का निर्माण पर कोई नियंत्रण नहीं, जो कि भारत में होता। तो आप समझ गए होंगे कि क्यों रूस इस मुकाबले से हटा है और भारत अब जर्मनी की तरफ क्यों झुका है।